ये पेड़ एकदम सही है। दोपहर की सहर के लिए कितना अच्छा खास समय है। क्या तुमने सुना? क्या सुना भाई? फिर आ गया है, समझे तुम? सच में? चलो उसे सबक सिखाए। ठीक है। लक्का के बच्चे बस करो। डॉक्टर लक्का बस करो। अच्छा सच में तुम मेरे खर्चे उठाओगे क्या? हाँ यही मैंने सोचा था। पकड़ो उसे। ठीक है। रुक जाओ वहीं पे। रुक जाओ डॉक्टर लक्का। तो नजदीक आ रहे हैं। पकड़ लिया। हो गया थोड़ा। बचाओ भाई, बचाओ बचाओ। अरे नहीं। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? डब्लू, मैं तुम्हें अब घर ले चलूंगा। तुम उठ गए? थोड़ा पानी पियो। भाई क्या हुआ? मेरे सर में दर्द रहा है। तुमने अपना सर मारा था, याद है? सुना सुना लग रहा है। पानी गंदा क्यों है? बोलो भाई। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? और क्यों? ये तो साधारण नदी का पानी है। नदी का पानी अजीब है। मुझे इसे उबालना होगा। पानी उबालोगे? सही है। डब्लू, तुमने इतना अच्छा रहना कैसे सीख लिया? इसे एक साधारण व्यवहार कहते हैं। तुम्हें भी सीखना चाहिए, समझे तुम? बबलू हाथों से खाना खाना बहुत ही गंदी बात है। और मेरा बोलना भी खत्म नहीं हुआ, समझा तू? अब तो एक दिन में बस एक सेब कोई भी चीज हाथ से खाना बुरी होती है। पर छोटे हम भालू है, ये डब्लू को क्या हो गया है? भाई उठो, उठो भाई, जल्दी उठने वाले को ही कीड़ा मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो? पहले सेब नहीं और अब नींद नहीं? ये कसरत करने का समय है, चलो। रुको डब्लू, रुको। क्या भी सवाल में बात नहीं कर सकते? डब्लू बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है आजकल। उसने अपना सर कहीं ज्यादा जोर से मारा है। डब्लू ये क्या पहना है? तुम बहुत अजीब लग रहे हो। ये मेरे स्थिति का चिन्ह है, समझे? क्या तुम्हें नहीं पता? वैसे भी तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। तुम हमेशा रेंचो को अपने ऊपर राज क्यों करने देते हो? ये अच्छी बात नहीं है। तुम मेरी जगह पर बैठकर क्या कर रहे हो बाबू? नीचे उतरो, अभी नीचे उतरो। क्या तुमने मुझे सुना? मेरे ले जाकर कुछ खाने की चीजें लाओ। ठीक है, मैं राजा हूँ। मुझे माफ करना महाराज, तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? कहा आप मुझे हमेशा मारते रहते हैं, ये दुख की बात है। ये डब्लू का किया धरा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई बाबू को मेरे खिलाफ भड़काने की? क्या ये रंचो है? ए, रंचो! डब्लू मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हो जाए क्यों? क्या हुआ? बाबू को भड़काना बंद कर दो, ठीक है? जो भी है ये सही है, देखो और सीखो तुम। तो क्या, किसको फर्क पड़ता है? बात बाबू की है। नहीं जाओ, मैंने तो बस बाबू को सच कहा था। और केला बहुत खतरनाक होता है, कोई भी चलकर गिर सकता है। और वैसे भी कचरा इधर उधर फेंकना गलत है, तुम समझे? मुझे पता है। अच्छी बात तो है। बहुत हुआ, ठीक है, हम बाबू की बात कर रहे हैं, समझे?
पर मैं यहाँ कुछ सीख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कचरा यहाँ फेंकता है हम दुनिया को बहुत ही गंदा कर देते हैं और जंगल भी गंदा हो जाता है। समझ में आ गई नहीं तुम्हें? भाषण देना बंद करो, ठीक है? हम बाबू की बात कर रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं चो, अगर हर कोई एक साथ जमीन पर कचरा फेंकता है तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बकवास कर रहे हो तुम? हम बाबू के विद्रोह की बात कर रहे हैं। शुरू से ग्रिजली बालुओं के बाद से बस दो ही है या फिर उससे अधिक, उनके ही ये सब देन है। और सही है राजा, तुम सो गए? अभी तो भाषण शुरू हुआ है। बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ। पर गड्ढे खोदने से जमीन धस सकती है। मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे कोई नहीं सुन रहा, मुझे लगा कि वो सब मेरे दोस्त है। ये तुम क्या कर रहे हो? बस ये आखिरी वाला। बबलू, हम ये भाषण और नहीं सुन सकते, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करना चाहिए। इस बारे में क्या करूँ? हाँ बोलो। जब से उसने पेड़ से टक्कर मारी है वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वैसे भी वो मुझे उतने ही भाषण दे रहा है जितने तुम लोगों को। सर पर मारने से ही उसको चोट लगी है। शायद यही उसे ठीक भी कर दे। मुझे कुछ और सूझ रहा है। यहाँ से चले जाओ ना। मैं दोबारा लकड़ियाँ कभी नहीं काटूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो और एक मौका। अब नहीं, शायद मैं तुम्हें जंगल के बारे में कुछ बता सकूं। मुझे उसके बारे में भी बता दो। टकले लगा, रुक जा, सुन ले मेरी बात। मैं तुमसे सहानुभूति रखता हूँ। तुम भटते नहीं, पूरे दिन से बोल रहे हो तुम। थोड़ा शांत हो जाओ। कितना बुरा व्यवहार है, कल इसे भाषण देना पड़ेगा। उसने सुबह और दोपहर के बीच में खाना भी नहीं खा लिया, बस चपर 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 बोलता रहा। जंगल की सुरक्षा एक्ट के आर्टिकल 300 के मुताबिक ये कहा गया है कि बस भी करो। वो तो पागल है। मेरा मतलब था कि सेक्शन 16। चले जाओ। आखिरकार मुझे लगता है उसका खत्म हो गया। ये भाषण का समय है प्यारे डॉल डब्लू के साथ। मैं तो सपना देख रहा था। बहुत ही गंभीर समय में गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काटने वाले को सजा मिलती है और कुछ समय के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। चले जाओ और वापस मत आना। लकड़ियाँ काटना बुरी बात है, ये वातावरण के लिए ठीक नहीं है। मत काटो लकड़ी, मत काटो लकड़ी। लकड़ियाँ काटना बुरी है, लकड़ियाँ काटना बुरा है, लकड़ियाँ काटना बुरा है। मैं दोबारा काटूंगा नहीं लकड़ियाँ। वो बस एक सपना था। लखा, अभी तक तूने लकड़ियाँ क्यों नहीं भेजी? हाँ लेकिन सर मुझे समझाने सो रहा था क्या? हाँ सर सो रहा था। क्या तुझे नौकरी चाहिए? दोपहर हो गई है, रोकिए सर मेरी बात सुनिए। मुझे बहाना नहीं सुनना, मुझे लकड़ियाँ चाहिए। अब जा और जाके पेड़ काट। ए, शहद उसका मन पसंद है क्या? ये काम कर रहा है डब्लू? मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा शहद है, तुम्हें चखना है? शहद? मैंने अपने दांत काट दिए, समझे तो? ये क्या लगा है फिर से? चलो उसके पीछे चले। मेरा इंतजार करो। काम काम काम, ये हमेशा काम की बात करता है। मुझे डब्लू को देखना ही पड़ेगा। मेरा नसीब इतना खराब क्यों है? लकड़ी काटना बंद कर। टकला है फिर आ गए। तुम्हें सच में भाषण की जरूरत है? रुका लक्का, डॉक्टर लक्का। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? डब्लू, देखो वो मेरी गलती नहीं थी, सच में। डब्लू, क्या तुम सुन सकते हो? डब्लू, डब्लू, उठो डब्लू, डब्लू। भाई क्या हुआ मुझे? ये सब क्या है? मैंने चश्मा क्यों पहना था? और ये क्या? अब ये ठीक है। अब
ठीक है डब्लू, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम वापस आ गए। मेरा चश्मा और मेरी टाई, अरे ये कहाँ गई? डब्लो भाषण के लिए कौन तैयार है? ये सब कहाँ चला गया है? एक बार फिर वो बदबूदार भालू मेरे रास्ते में आ गए। और एक बार फिर से सवार इसके पैसे मेरी पगार से ही काट लेंगे फिर से। मेरा घर एकदम सुअर के घर जैसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा साफ कर देना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई शुरू की जाए। मैं इसके बारे में तो बिल्कुल भूल गया था। चलो सफाई तो हो गई, अब वक्त है सारा कचरा बाहर निकालने का। सब खत्म। अब ये चीज क्या है? कुछ जानी पहचानी चीज लगती है। भूल जाओ, ये भी बस कुछ कचरा ही होगा। समय है सबको इकट्ठा करके जंगल में डालने का। ये बदबू किसकी है? ये तो पुराना जूता है, कितना गंदा है। ये क्या है? मैं देखता हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत सारे खिलौने हैं और दिखने में एकदम मस्त है। भाई को बहुत पसंद आएंगे। भाई मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओह वाह, कितना सुंदर है। ए छोटे, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मजा आ गया। महाराज, क्या मैं इसे अपना खिलौना बना सकता हूँ? ये कितनी प्यारी कही तुमने बाबू, पर मिनियंस सिर्फ राजाओं के पास होते हैं। जाओ उसे मेरे लिए लेके आओ, ठीक है? लालची कहीं के। ये हुई ना बात। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। इस समय कौन गधा फोन कर रहा होगा? तुझे क्या लगता है आज तेरी छुट्टी है? ऐसी बात नहीं है सर, वो क्या है कि सावन भाग की तेरे बहाने सुन सुन के थक गया हूँ। अब जा और जाके लकड़ियाँ काट, वरना तेरी नौकरी गई, समझ ले? ठीक है। हाँ मैं समझता हूँ, मैं अभी जाता हूँ सर। कितना गंदा आदमी है वो, हमेशा चिल्लाता रहता है। कितने सालों से उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक लकड़हारा की जिंदगी ऐसी होती है, एकदम तन्हा। क्या आपके पास पुराने खिलौने हैं और आपको उनसे छुटकारा पाना है? तो बस हम उन खिलौनों की कीमत आपको देंगे। हाँ आपने सही सुना, पुराने खिलौने सबसे अच्छे दाम पर। अभी फोन करें। मैं सोच रहा हूँ मैं अपने खिलौने भी बेच सकता हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैंने उन्हें वैसे रखा कहाँ है? हाँ वहाँ पर रखा है। मुझे पक्का याद था उन्हें यही रखा गया था। अजीब है ये क्या? आ,
सब खत्म। ये क्या चीज है? कोई जानी पहचानी चीज लग रही है। जाने दो, ये भी कुछ कचरा ही होगा। अब याद आया, ढूंढ ले लखा, कहाँ रखा था वो, कहाँ फेंक दिया मैंने वो कचरा। चलो फिर से करते हैं। ठीक है। अच्छा तो तुम तैयार हो ना खुशी जताने के लिए? हाँ, क्या ये लखा है? अरे नहीं, ये फिर से आ गया। ये टकला लखा मुझे पागल बना जाएगा, ये हमेशा पैर काटता रहता है। वही करें जो सबसे अच्छा करते हैं हम। बहुत अच्छे बाबू, उस मेंढक के साथ खेलना बंद करो और मेरे साथ चलो। चलो ठीक है। जी देखो उसको, हमें पेड़ों को बचा नहीं होगा, समझ गया ना छोटे तू? हाँ, कहाँ फेंका मैंने? तुम दोनों क्या चाहिए तुम्हें? लखा के बच्चे, जब तक मैं और डब्लू जिंदा है हम तुझे पेड़ों को काटने नहीं देंगे। वो दोनों तो एकदम जाने पहचाने लगते हैं। मुझे वो वापस चाहिए, वो मेरे, वो मुझे वापस दे दो। अगर ये तुम्हारा है तो सबूत दिखाओ। हाँ? क्या कहा? क्या सबूत है? मैं दिखाता हूँ सबूत। तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो मेरे साथ प्रतियोगिता लड़ो। क्या? ठीक है, ये मजेदार होगा। सच में? अच्छा है। जो भी उस सांड की आंख तक पहले पहुँचेगा वही जीतेगा, समझ गए? अगर मैं जीता तो वो मुझे वापस मिल जाएंगे ना, और अगर हम जीते तो ये सब हमारे। सिर्फ यही नहीं, सारा खिलौना लगा। ठीक है, पहले तुम ध्यान दो। तुम बिल्कुल चूक गए। डब्लू, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, तो फिर मुझे भी तुम्हारी तरह करना पड़ेगा। लाखों बार भी कोशिश कर लो लेकिन निशाना नहीं लगा पाओगे, बदबूदार भालू। मैंने नहीं रखा। साफ साफ खेलो, वातावरण भी खेल का एक हिस्सा ही तो है। अब मेरी बारी है, देख कर सीखो कुछ। देख रहे हो ना तुम? ये हुई ना बात। क्या कहा था? बचपन में मैं गुलेलबाजी का राजा हुआ करता था, पता होना चाहिए था। यह क्या चल रहा है? हाँ। ये तो एकदम कवच के घंटे की तरह है, गुलेल बब्लू के लिए। चलो ये मुझे दे दो। लखा के बच्चे फिर से खेलते हैं। क्या कहा? बिल्कुल नहीं, मैं साफ साफ जीत चुका हूँ, इसलिए दूसरा गुलेल मुझे वापस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने राजा को अनदेखा करने की? मैं दिखाता हूँ सबसे अच्छा कौन है बाबू। जी महाराज। खुफिया हथियार के लिए। रुक जाओ, ये बकवास खेल बहुत हो गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, देखते हैं आखिरी हथी किसकी निकलती है। ये तो मेरा डब्बा है। एक बार मैं ये सारे खिलौने बेच दूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। टकले लखा, इससे कोशिश करो। एक गोटी। अब मेरी बारी है। यार देखो मैं जीत गया। मैं गोटी खेल का राजा हूँ। मुझे याद आया, बचपन में मैंने एक खेल में इन गोटियों को जीता था जब तुम एक बच्चे थे। मुझे दूर रहो, तुम मेरी बचपन की यादें मुझसे बिल्कुल नहीं छीन सकते। ये सब मेरे हैं और मैं किसी को भी ये ले जाने नहीं दूंगा। और वैसे भी ये मुझे उस समय की याद दिलाते हैं जब मैं सच में खुश हुआ करता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सच में ये तुम्हारे खिलौने हैं? तो फिर उसे तूने जंगल में क्यों फेंका? अजीब कहानी है, मैं सफाई कर रहा था और मैंने गलती से कचरा समझ के इसे फेंक दिया। अगर तुम मुझे ये लौटा दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं भीख मांगता हूँ। क्या तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए? ठीक है। तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये लो, वैसे भी मुझे ये नहीं चाहिए थे। अगर अगली बार तुमने जंगल में कुछ फेंका तो हम तुम्हें वापस नहीं देंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ, धन्यवाद। क्या?
क्या आपके पास पुराने खिलौने हैं और आपको उनसे छुटकारा पाना है तो बस हम उन खिलौनों की कीमत आपको देंगे। हाँ आपने सही सुना, पुराने खिलौने सबसे अच्छे दाम पर। अभी फोन करें। मैं कभी इन्हें बेचूंगा नहीं। चलो सोने का वक्त हो गया, इनको मैं किसी सुरक्षित जगह रख देता हूँ।